ताब आ रहा है। शादी हो रही है, क्या गंदा काम है और अजाब कैसा है समझा रहा हूं आपको। शादी हो रही है, नौजवान नस्ल डिमांड कर रही है गाड़ी चाहिए, जोड़े की रकम चाहिए, खाना चाहिए, फुला चाहिए, फुला चाहिए। मजबूर है बच्ची का बाप, ये नौजवानों की वजह से, ये जो मेरे सामने बैठे आपकी वजह से मजबूर है गरीब बच्ची का बाप। उसकी बच्ची में पहले से बाल की कमी है तो उन्हें टेंशन में, रंग की कमी है तो बाप टेंशन में, हाइट कम है तो बाप टेंशन में, तालीम कम है तो बाप टेंशन में है, गरीबत की वजह से बाप टेंशन में है। अब जैसे ये बच्चे के लोग गए, वो बच्ची को देखे, देखे तो ही बोले हाँ इसके अंदर रंग कम है, जितना चाहे मांगो बच्ची का बाप देता। अब मांग रहे हैं सौली बच्ची को, मांग रहे हैं हमारे को 4 लाख रुपए होना, हमारे को गाड़ी होना, हमारे को ये सामान होना, लंबी लिस्ट बना के दे दिए। अब बच्ची का बाप मजबूर है, मेरे भाई 4 बच्चियां बैठे हुए, बाप कह रहा है अगर नहीं दूंगा तो ये रिश्ता चलेगा तो दूसरा आता नहीं आता नहीं मालूम, या अगर आया तो उन्हें इससे ज्यादा मंगा तो क्या करूं। बाप मजबूरी में बोल रहा है कि देने को तैयार हूं साहब, सब रेडी हूं, एंगेजमेंट करिए, एंगेजमेंट होगा 1 साल का टाइम लिए। आप बताओ मेरे भाई, जो बाप अपनी बच्ची की शादी के लिए पैदा होने से लेके 22 साल की उम्र की हो गई बच्ची, 25 साल की उम्र की हो गई, 25 साल में जो बाप 2 लाख जमा नहीं कर रहा, उन्हें 1 लाख में 6 लाख, 1 साल में 6 लाख कहां से लाता। बच्ची बैठे बैठे घर में 25 साल की हो गई, 25 साल में जो बाप 2 लाख रुपए जमा नहीं करा, इंगेजमेंट के बाद 1 साल का टाइम लिया, 6 महीने का टाइम लिया, 6 महीने में 1 साल में 6 लाख रुपए कहां से लाता। लाता मगर मजबूर है उन्हें, लाता कहां से लाता, फाइनेंसर के पास से। किसके पास से, फाइनेंसर के पास जाता, जाके लेके आता। और मुझे कहने दो, एक बच्ची का बाप अगर शादी करने के लिए फाइनेंसर की सुड़िया चढ़ता है तो बच्ची के बाप को जितना अजाब होता है, उससे जोड़े की रकम, उससे गाड़ी और फरमाइश करने वाले शौहर को और उसके मां बाप को उसका डबल अजाब होता है, क्योंकि इनकी जुल्म ज्यादती ने उस बच्ची के बाप को एक फाइनेंसर की सुड़िया चढ़ने पर मजबूर कर दिया है, इनकी गंदी ख्वाहिशात ने उस बच्ची के बाप को गुनाह करने पे मजबूर कर दिया है। फाइनेंसर के पास से लाया, कितने लाया, 3 लाख रुपए लाया, लाके 5%, 4%, 2% पे 3 लाख रुपए लाया, लाके बच्ची की शादी कर रहा। आप खाना पकाया फाइनेंस के पैसों से, सूद के पैसों से। नौजवानों, मैं कोई रामकथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, आज जो प्रैक्टिकल हो रहा, अब रमजान के बाद जो शादियां होने वाली है उसमें जो होने वाला है वो सुना रहा हूं आपको। अब वो बच्ची का बाप फाइनेंस पे पैसे लाया और लाके जो है खाना खिला रहा सबको, खाना खिला रहा फाइनेंस के पैसों से, सूद के पैसों से। इधर से दुल्हन खाई निवाला, उधर बैठ के दूल्हा खाया निवाला, दुल्हन के पेट में भी हराम का लुकमा गया, दूल्हे के पेट में भी हराम का लुकमा गया। रात में जाकर दोनों मिले, सोहबत करे, हमल कायम हुआ, उस हमल से 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। और आपको एक बात बताता हूं, ये जो मादा मनविया जो निकलती है शौहर से, जो औरत में मुंतकिल होती है, हमल कायम होता है, फरमाया गया अल्लाह ने ये मादा बॉडी में बनाए चने कते, ये बॉडी में मादा नहीं है, जब का जब बनती तब का तब निकलती, उसी वक्त बनती जब बंदा चाहता है, उसी वक्त निकलती जब बंदा चाहता है। तो बनी कैसा, गया सो पेट में निवालों के खाने की कुव्वत से बनती, वो मादा मनविया 100% जो रात में खाए वो खाने से उसका असर रहता। अब 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ जिसके खून में सूद का खाना मिला हुआ है।
अब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, 4 साल 6 साल 8 साल के बाद अपना असली रंग दिखाने लगा। क्या बचपन में ऐसे कामा कर रहा जो जवान होने के बाद गुंडे नहीं करते, वैसे कामा कर रहा। अब लाके बोले अरे इतना भयानक हो गया, इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। हाँ, हराम का लुखमा खाने वालों के घर हाफिज कुरान पैदा नहीं होता, आलिम दीन पैदा नहीं होता, कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं होता। बच्ची के बाप को सूद खोर के पास भिजाए, सूद के पैसे मंगा के खाना खाए। अब जो पैदा होगा वो डाकू ही पैदा होता है, वो शरीर उन नफ्स लोग ही पैदा होते हैं। अब जो पैदा होगा वो खातिल पैदा होगा, बागी पैदा होगा, चोरी करने वाला पैदा होगा, जेल को जाने वाला पैदा होगा, मां बाप को मारने वाला पैदा होगा, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला पैदा होगा। जिंदगी की नेकी और बदी पर लुख्मों का बहुत बड़ा असर रहता दोस्तों। जिंदगी की नेकी और बदी पर मां बाप की खिजा का भी असर रहता, बड़ों के अमल और किरदार का भी असर रहता। आज हमारी नस्लें तबाह होने की सबसे बड़ी वजह यह है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हक और ईमान से बताओ, कौन सा ऐसा शख्स है जो चाहता है उसके पेट से ऐसी औलाद पैदा हो जो जहन्नम का कुंदा बने? कौन चाहते हैं भाई ऐसा? कोई चाहते हैं? जरा बोले भाई, कोई चाहते हैं? नहीं चाहते। हर कोई ये चाहता है ना भाई कि हम भी नेक बने, हमारी औलाद भी नेक बने, हम भी अच्छे बने, हमारी औलाद भी अच्छी बने। अरे अरे, हमारी औलाद तो जन्नती बने, हमारी औलाद मुत्तकी बने, हमारी औलाद परहेजगार बने, हमारी औलाद नेक बने। तो औलाद को नेक बनना चाहते हो नौजवानों, तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश कर रहा है, औरतों से, बच्चियों से, उनके घर वालों से आप सामान मत मांगो, जहेज मत मांगो, आप उनसे जोड़े की रकम मत मांगो। ये रकम तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनी हुई है, ये जोड़ा आज उम्मत के लिए तबाही का सबब बना हुआ है। ऐ नौजवानों, कब अखले आएंगी, कब अखले आएंगी? अगर आपकी मां, क्योंकि मैंने इससे पहले कई नौजवानों को देखा है, मेरी बात सुनने के बाद बच्चा घर में जाके बोल दिया अम्मी जोड़े की रकम लेना नहीं है आपको, अम्मा बोले तू घर में नहीं रहना, निकल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दोजख में गए तो अम्मी बचाने आते? आपकी औलाद के अंदर अगर वो नौज बिल्ला वो गंदा लुखमा मिल गया, उसके खून में उसकी तासीर आ गई, अब मां कुछ कर सकती है? अगर आपकी वालदा अगर जोड़े की रकम मांग रही तो आप वालदा को बोल दो मैं शादी चने कर लेता, नहीं कर लेता मैं शादी, मेरे को होना ही नहीं है गंदी शादी, जिससे मेरी उम्मत, मेरे आखा की उम्मत बर्बाद हो रही है, तबाह हो रहे मेरे भाई। अरे मेरे भाई, मैंने तो यहां तक सुना है, यहां तक सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि आज हमारे मुआशरे की बेटियां, हमारे मुसलमान बेटियां, ये शादियों के खर्चे इतने ज्यादा हो गए, 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख, कहां से लाएंगे इतना खर्चा? ऑटो चलाने वाला बाप 12 लाख कहां से लाता जी? कार ड्राइविंग करने वाला बाप 8 लाख कहां से लाता मेरे भाई? घर में 4 बच्चियां बैठे हुए हैं, 10-10 लाख के 40 लाख के शादियां कहां से करता बाप? क्या कर रही हैं आज की बच्चियां? मजबूर होकर नौज बिल्ला फाहेशी, फाहेशा का कारोबार कर रही हैं, फाहेशा बन जा रही बच्चियां। 30-30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, शादी नहीं हो रही बच्चियों की, फाहिशा बन गए, अपने नफ्स को नहीं संभाल के बुरे कामों में लग गए। और मैं गवाह हूं, अल्लाह के घर बैठ के बोल रहा हूं आपको, मैं गवाह हूं, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने उन लोगों से मिला जिनके घर ये वाकया हुआ। क्या मां बाप कहने पैसे नहीं है बेटी की शादी करने? जितने रिश्ते आ रहे हैं मां बाप उनको, अरे देखो मां बच्ची अच्छी है कर लो, मगर हम दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते, हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है, हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है, नहीं करे। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी भवें जब बच्चियों को देखने का इतना देना इतना देना इतना देना इतना देना इतना देना, फरमाए चार के
बच्ची के रोजाना आ रहे लोग देख रहे जा रहे, शर्मसार हो गई बच्ची। आप मैं मिला सो बोल रहा हूं मैं आपको, मैं जो देखा मैं जो मिला वो बता रहा हूं। वो बच्ची मजबूर होके गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, उसके कॉलेज फ्रेंड के साथ भाग गई, उन्हें गैर मुस्लिम के साथ। आज भी मुसलमान उन्हें है, उसका शौहर हिंदू है। आज आज लैलतुल कदर में बोल रहा हूं, उसका शौहर हिंदू है, उन्हें मुसलमान है, उन्हें जिंदगी गुजार रही उसके साथ। उसके मां बाप पैरों में सर रख दिए, बेटी ऐसा मत कर, पूरे मुआशरे में नाम बदनाम हो जाएगा। और आप यकीन मानिए वो लड़की कोई और मोहल्ले की नहीं, हमारे यूसुफ गुड़े की है। मैं मिला उसके मां बाप से, मेरे पास आए थे उसके मां बाप, क्या करें मौलाना, पैर में सर रख दिया बाप, बेटी अल्लाह के वास्ते ये काम मत कर। उन्हें बोली अब्बा आप देखे ना, इतने लोग आके देख के गए, मेरे को कोई करने तैयार नहीं है। अब मेरे को कब तक तुम लोगों के सामने नुमाइश बनाते? उन्हें मेरे को चाहता, मैं तुम्हारे खातिर कभी उसके करीब नहीं गई, कभी उससे बात नहीं करी, मगर अब मेरे साथ इतनी जिल्लत हो रही और लोग इतने पैसे मांग रहे, मैं मजबूर हूं अब्बा मुझे जाने दो। आज भी न्याई साहब एक बेटा पैदा हो गया उसको, अब हिंदू का बेटा पैदा हो गया मुसलमान बच्ची से। ऐ नौजवानों अब तो कम से कम अपने होश संभालो, मैं अल्लाह के घर बैठ के बोल रहा हूं आपको। यह वाकया यूसुफ गुड़े का है मेरे भाई, ये कोई और जगह की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये जहेज मत मांगो। मांगेंगे? मांगेंगे नहीं? आप ईमानदारी से बोलो, खाजी साहब खड़े होके बोलते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह सरकार की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है निकाह? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अजी सरकार की सुन्नत में जा रहे यारो, बाजा बजा लेते हुए जाते यारो, जरा सोचो मेरे भाई, कई को अपने आखा को रुसवा कर रहे मेरे भाई। इतने बड़े पैगंबर की उम्मत में पैदा हो गए, जब से अब इतने बड़े आलिम से आप सुने, सरकार के सदके में हमारे ऊपर कितना रहम हुआ, कितना फजल हुआ। अल्लाह चाहा हम वली बन जाएं, इसलिए अल्लाह ईमान तो दे दिया, वली बनाने रमजान दे दिया। वो खुदा हमसे इतना प्यार कर रहा, फिर हम लोग कितने गंदे हैं यारो। अरे मेरे भाई तौबा करो मेरे भाई, निकाह में यारो बाजा बजाते जाते, सरकार की सुन्नत अदा करने जा रहे, नहीं शैतान का तरीके पे अमल करने जा रहे। अरे मेरे भाई हमारी जिंदगी की वो एक इब्तिदा है मेरे भाई, वहां से हमारी नस्लें चलेंगी, खानदान बनेगा, वहां से हमारी आबादी होगी, हम उसके बाद बाप बनेंगे, दादा बनेंगे, परदादा बनेंगे, सकर दादा चकर दादा बनेंगे, हमारी नस्लें चलेगी। अरे ये मनहूस अमल हमारा हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर रहा है, कितनी बुरी बात है मेरे भाई। अरे आप अपनी बेटी को भी दे रहे निकाह में तो शर्त लगा दो, मैं आपको बेटी इस शर्त पर दूंगा कि अगर आप बाजे के साथ आएंगे, मैं बच्ची को लाता ही नहीं, बोलो आप शादी खाने को निकल जा, चल तेरे जैसे मनहूस की मुझे जरूरत ही नहीं है। बुरी बात है मेरे भाई, सरकार की सुन्नत को बदनाम कर रहे हम लोग। अभी आप हमारे इब्राहिम जुनेदी से सुने, इन्हों क्या बोले, सरकार की एक सुन्नत जिंदा करे 100 शहीदों का सवाब है। फिर दोस्तों मेरे आखा की सुन्नत अदा करने जा रहे हो बैंड बाजा लेकर, सरकार की सुन्नत अदा करने एक औरत को बीवी बना के घर ला रहे हो, नाचते हुए गाते हुए बैंड बाजा बजाते हुए। अब बताओ मेरे भाई क्या अल्लाह की रहमत आएगी? नहीं आएगी। इसलिए हमारा रब हमसे नाराज है यारो, इसलिए हमारी नैया नहीं चल रही है, हम लोग इसलिए जूते खा रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नीस तो नाबूद हो रहे हैं। रमजान जैसा मुकद्दस महीना है फिर भी फजल नहीं उतर रहा, दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं दुआ कर रहा हूं तहज्जुद में लोगों के वास्ते, चिट्ठियों पे नामों पे नामा, नामों पे नामा, नामों पे नामा, नामों 100 नामा जमा हो गए अब तक, कितनों का नाम लूं मेरे भाई, क्योंकि आज हम बर्बाद हो रहे हैं। बर्बादी की वजह हम हैं हम, क्योंकि हमने उस मौला को भुला दिया है, उस रब को नाराज कर दिया है। अल्लाह के वास्ते कौन कौन मेरी इस बात पर अमल करेगा, एक बार हाथ उठाओ, सुफीद दाढ़ी वाले नक्को उठाओ, नौजवान उठाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ, چھوڑ دو. اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا نبی محشر میں چن کے بلائے, ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں, ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں, ادرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں. بس ایک کام کرو دوستو, غریب کی بچی کو کر کے لا لو, کچھ بھی نکو بولو, خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کے تمہارا بھائی بول رہا تمہیں غریب کی بچی کو فری میں کر کے لا لو میرے بھائی, مت مانگو اس سے, اس کو بول دو ارے میرے کو کھانا بھی نہیں چاہیے رے بھائی تیرا, تیری بچی دے دے بس. اللہ کی عزت و جلال کی قسم عبد المنان صاحب گواہ ہے, وہ بچی کے قدم سے تمہارے گھر میں دولت نہیں آئی, میرا گریبا پکڑ لو آپ, وہ بچی نہیں آئے گی, وہ بچی کے ساتھ اللہ کی رحمت چل کے تمہارے گھر کو آئے گی, مصطفیٰ کا صدقہ چل کے تمہارے گھر کو آئے گا. نوجوانوں تم یہ ملا یہ دنیا والوں کے پیسوں پہ یقین مت رکھو, تم غریب کی بچی کو فی سبیل اللہ کر کے لاؤ, تمہارے گھر میں دولت ابلے گی, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, اللہ تم کو پالے گا, اللہ تم کو اجر دے گا, اللہ تم کو رحمت دے گا, مصطفیٰ تمہاری شفاعت کرائیں گے. تم بول دو اپنی امی جان کو احمد نقشبندی صاحب کرے قسم کھا کے آیا ہوں, لیلۃ القدر میں قسم کھایا ہوں کہ میں اپنا جہیز نہیں لوں گا. تم کماؤ نوجوانوں, تم محنتی ہو, تمہارے اندر قوت ہے, ہمت ہے, صلاحیت ہے, جولانی ہے, جوانی ہے, تم مرد ہو, تم آپا نہیں ہو, مرد ہو تم. مرد کما کے سامان خریدتا ہے, مرد آپاؤں کی طرح لوگوں کے سامان پہ عیش نہیں کرتا, مرد کماتا ہے دوستو. کماؤ میرے بھائی, تم لاؤ جی الماری, کتنے میں آتی جی وہ الماری, 5,000 روپے کی الماری نہیں خرید سکتے تم, 20-25,000 کے جوڑے اپنی بیوی کو نہیں خرید سکتے تم. ارے تم چاہے تو چاند میں جا سکتے ہو دوستو, ایک بیوی کے لیے خریدنا کیا بار بڑی بات ہے, ایک گاڑی نہیں خرید سکتے جی تم, کئی کی جوانی اگر نہیں خرید سکتے تو کیوں کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو دوستو. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر میں آپ وعدہ کیے آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے, کریں گے میرے بھائی. یہ جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, جتنے باپ یہاں بیٹھے, قسم کھا لو تم اپنے بچوں کو جہیز نہیں مانگو گے, اپنے بیٹوں کے لیے تم جہیز نہیں مانگو گے, تم پھگٹ میں فری میں کر کے لاؤ گے, فری میں کر کے لاؤ گے. آپ بولیں گے مولانا لوگا ہنستے نا, لوگا روئے کب, ہمیشہ ہنسنے کچھ پیدا ہوئے نو, انہوں روئے کب, انہوں روئے کب میرے کو بتاؤ آپ, میرے اوپر جتنا ہنسے تمہارے اوپر کیا ہنستے میرے بھائی, انہیں پیدا ہوا ہی ہنسنے کے واسطے, انہیں پیدا ہوا تالے مارنے, انہیں پیدا ہوا گندے کاما کرنے, انہیں پیدا ہوا اچھے لوگوں کو الزامہ لگانے کے واسطے. یہ چلر لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے مولا کو ناراض کر دیتے, یہ لوکل تھرڈ کلاس ہنسنے والوں کو لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے آقا کو ناراض کر دیتے. آج قسم کھا لو دوستو کہ تم یہ ہنسنے والوں کا لحاظ نہیں رکھو گے, تم ایسی شادی کر کے لاؤ گے اب آخری